जब ऑनलाइन पैसे कमाने की बात की जाती है तो माना जाता है ड्रॉप शिपिंग एक अच्छा मेथड है ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हर इनकम मेथड की एक एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, उसकी डिमांड घट जाती है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग, क्या आज के डेट पे आपको स्टार्ट करना चाहिए या फिर इस काम को छोड़कर कोई और काम भी देखना चाहिए। जैसा कि पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने कोई अनोखा तरीका नहीं है। यहाँ पर सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम सेल लेकर आते हैं और इस काम को कहीं पे आउटसोर्स करके बीच में अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और ये ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट मेनली डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इतने कॉम्पिटिशन के टाइम में क्या आपको ये काम स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें बहुत जरूरी है एनालाइज करनी चाहिए। पहला है मार्केट डिमांड और दूसरा है कॉम्पिटिशन। ये दोनों ही चीजें ऐसी होती हैं जो किसी बिजनेस के हिट होने या फ्लॉप होने के लिए बहुत बड़ा रीजन बन सकती है। रीजन ये है, अगर डिमांड नहीं है आपके प्रोडक्ट की या फिर आपकी सर्विस की, तो आपको पैसे कौन देगा उस काम को करने के लिए। और दूसरी बात, अगर उस फील्ड में ऑलरेडी डिमांड है अच्छी खासी, लेकिन कॉम्पिटिशन इतना गलाकार्ड है कि वहां पर बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी जूझ रहे हैं, तो आपको एज अ न्यू प्लेयर कितनी जगह मिल पाएगी वहां पर, या आप वहां पर जगह बना पाएंगे, या वहां पर आप काम करके कुछ प्रॉफिट बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ये दोनों ही फैक्टर अगर आपने सही तरह से एनालाइज कर लिए तो आप ये समझ पाएंगे कि आज की डेट में इस करंट ईयर में आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो इस ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट को भी हम इन्हीं दो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग एनालाइज करेंगे, क्या इन दोनों फैक्टर्स पे अपना ड्रॉप शिपिंग फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिमांड फैक्टर्स की। पहला फैक्टर आता है यहाँ पर डिजिटल ट्रेंड। जैसा कि आप जानते हैं कि आफ्टर लॉकडाउन लोगों ने बहुत सारे बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लिया है, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करना स्टार्ट किया, और बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन बिजनेस के साथ साथ अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी शिफ्ट किया या फिर ऑफलाइन बिजनेस बंद करके ऑनलाइन पर ही आ गए। दो तरह की चीजें हुई यहाँ पर। तो मतलब उस फेज के बाद यहाँ पर डिजिटली लोग आ रहे हैं और आते ही जा रहे हैं, पुराने वाले कई साल तक ये चीज चलने वाली है। तो यहाँ पर एक काफी अच्छा डिजिटल ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है जो काफी लंबे समय तक चलेगा और बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा। तो इस डिजिटल ट्रेंड का फायदा उठाते हुए अगर आप ड्रॉप शिपिंग काम स्टार्ट करते हैं, मतलब अपनी मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, वेबसाइट डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, तो यहाँ पर अच्छे क्लाइंट्स मिलने की पॉसिबिलिटी है आपको और अच्छे प्रॉफिट्स कमाने की भी पॉसिबिलिटी है। सेकेंड डिमांड फैक्टर आता है ग्लोबलाइजेशन का। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया छोटी होती जा रही है इंटरनेट के आने के बाद से। अब आज डेट में हमें दूसरे देशों से कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सीधा सा मीडियम बन गया है। आप इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल के थ्रू किसी भी कंट्री के किसी भी आदमी से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता या फिर वन टू वन मीटिंग की जरूरत नहीं होती है, या फिर अगर वन टू वन मीटिंग करना चाहते हैं तो आप जूम कॉल के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ट्रस्ट इजिली बिल्ड हो जाता है और आप अपनी बात सही से कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। अब इसका सीधा सा फायदा ये हुआ है कि एक ग्लोबल कस्टमर से जो आपसे कहीं अलग कंट्री में बैठा हुआ है वो भी आपसे काम करा सकता है। दूसरी अच्छी बात ये है, क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है और करेंसी डिफरेंस से आप एक अच्छा अमाउंट कमा पाते हैं, तो उनके लिए वो प्राइस कम हो जाती है और आपके लिए जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं वहां से आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल पाती है और अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आपके काम करने की बाउंड्रीज काफी बड़ी हो गई है, मतलब पूरे वर्ल्ड के कस्टमर्स के लिए आप इजिली काम कर सकते हैं। तीसरा बड़ा डिमांड फैक्टर आता है कि आप इंडिया जैसी बड़ी मार्केट पे रहते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं हिंदी में देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप इंडिया में ही रहते होंगे, और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केटिंग है, खासकर डिजिटल सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल ट्रेंड बहुत पुराना नहीं है। यहाँ पर इंटरनेट को भी पूरी तरह से फैलने में अभी बहुत साल नहीं हुए हैं और अभी भी लगातार ये फैल रहा है। तो यहाँ पर आपकी सर्विसेज रिक्वायरमेंट नए नए कस्टमर्स को आए दिन पड़ती रहती है, जरूरत है आपको उन्हें सही तरह से अप्रोच करने की। हाँ, एक बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पर आपको इतने पे ही कस्टमर नहीं मिलेंगे जितने आपको ग्लोबल मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बड़ा वॉल्यूम मिलेगा जो आपको रिकरिंग प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। रीजन उसका यह है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है और बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसलिए अगर आपको सेल करना आता है, कस्टमर को कन्विंस करना आता है, तो यहाँ पर अपने लिए आप काम इजिली निकाल सकते हैं। तो इन डिमांड फैक्टर को एनालाइज करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि ड्रॉप शिपिंग की रिक्वायरमेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट आज डेट में पूरे वर्ल्ड को है। यहाँ पर अनलिमिटेड कस्टमर्स हैं, आप अनलिमिटेड सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब ये तो हुई मीठी मीठी बातें जहां पर आपने ये समझा कि अच्छी खासी डिमांड है हमारी सर्विसेज की, हम चाहे तो एक बढ़िया पैसा बना सकते हैं यहाँ से।
लेकिन अब कुछ कड़वी बातें आपको समझनी चाहिए जहां पर हम कॉम्पिटिशन को एनालाइज करेंगे कि कितना कॉम्पिटिशन है इस फील्ड में। तो पहला कॉम्पिटिशन फैक्टर आता है कि एनीवन कैन डू ड्रॉपशिप मिसिंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की है और आपने और वीडियो में देखा होगा कि ड्रॉपशिप मिसिंग कोई भी आदमी कर सकता है जैसे कि मार्केटिंग करनी आती हो या फिर सेल करनी आती हो। अगर मैंने अपने हर वीडियो में ये भी चीज ऐड की है कि आप कोई भी चीज क्रॉप सर्विसिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर नीच का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए जिसे आप सही तरह से एक फ्रीलांसर से काम ले पाए और अपने क्लाइंट को एक अच्छा काम डिलीवर कर पाए। लेकिन फिर भी मेरी इस बात को बहुत लोग फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन फैक्टर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी जो सेल कर सकता है या फिर जिसके पास थोड़े बहुत रेफरेंसेस है, उनके पास एक क्लाइंट सेगमेंट है जिनको ये ऑफर कर सकते हैं, वो ऑफर करेंगे और ये लोग आपके लिए एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन भी जनरेट करेंगे भले ही एक अच्छा काम डिलीवर कर पाए या ना कर पाए। और ऐसे लोगों का नंबर कोई छोटा मोटा नहीं है, अच्छा खासा बड़ा नंबर, इसलिए आपको इस कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ेगा। सेकंड कॉम्पिटिशन फैक्टर है प्राइसिंग कॉम्पिटिशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ पर लोगों को वही चीजें अच्छी लगती है जिनकी प्राइसेस कम हो और उस प्राइस में वो अच्छा से अच्छा काम निकलवा। दूसरी तरफ यहाँ पर एक अच्छा खासा अनएम्प्लॉयड सेगमेंट भी है या फिर एक स्टूडेंट सेगमेंट कहा जाए, वो लोग प्राइस के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करते हैं, उनको कम से कम प्राइस पे कोई भी क्लाइंट मिल जाता है क्योंकि उन्हें इंडिविजुअली काम करना होता है या फिर एक बहुत रॉ क्वालिटी काम करना होता है, इसलिए वो प्राइस पे ज्यादा फोकस ही नहीं करते हैं, उन्हें कुछ भी प्रॉफिट मिल जाता है वो काम कर देते हैं। तो इस तरह के कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए आपको अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी से बनानी पड़ेगी या फिर अपने क्लाइंट को कन्विंस करते टाइम ये बताना पड़ेगा कि इस छोटी प्राइस रेंज पे जो आपको कहीं और से ऑफर हो रही है क्या वर्क मिलने वाला है और आप जो अच्छा वर्क डिलीवर करने वाले हैं क्यों उसकी प्राइस जस्टिफाइड की जा सकती है। और ये प्राइसिंग कॉम्पिटिशन आज डेट पे अच्छा खासा एग्जिस्ट करता है और आने वाले टाइम पे यही कॉम्पिटिशन और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा क्योंकि और भी ज्यादा लोग इस फील्ड में आने की इच्छा करेंगे, इसलिए इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तीसरा सबसे डेंजरस कॉम्पिटिशन फैक्टर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि AI आज टाइम पे बहुत सारे काम को बहुत इजी करती जा रही है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट किए बिना एक अच्छा आउटपुट निकाल आ सकता है। तो जहाँ हमने पिछले पॉइंट से बात की कि लोग कम प्राइस पे काम कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह के लोग प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका रीजन ये भी है कि AI उनको बहुत हेल्प कर रहा है। यहाँ पर लोग AI की मदद से बहुत इजी वीडियो जनरेट कर सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, लोगो क्रिएशन कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे काम है जो AI को लोग कर सकते हैं। और जब ये काम क्लाइंट को डिलीवर किया जाता है तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि अगर क्लाइंट को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो वो इस चीज को समझ नहीं पाता कि किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये काम किए गए। तो सीधी सी बात यह है कि आपके इस काम का कॉम्पिटिशन डायरेक्टली AI से भी होगा। अब अच्छी बात इसमें यह है कि आप AI को अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा उसमें ह्यूमन टच देकर उस काम को और निखार सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग AI पे डिपेंड हैं और प्योरली उसी के थ्रू काम कर रहे हैं वो भी आपके लिए एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन जनरेट करेंगे। तो इन सारे डिमांड फैक्टर्स और कॉम्पिटिशन फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर डिमांड अच्छी है और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन भी अच्छा है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कॉम्पिटिशन भी अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। अब बात यह है कि आज डेट में आपको ये स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको ये काम जरूर स्टार्ट करना चाहिए। आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको क्रॉप सर्विसिंग के थ्रू ये कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। बशर्ते आपको ये याद रखना होगा कि आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं आपको उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट कन्वेंसिंग के टाइम पे आपके साथ कोई फ्रीलांसर नहीं होगा, क्योंकि आपको क्लाइंट को ऑन द स्पॉट उसके फायदे गिनाने पड़ेंगे, अपनी प्राइस को बाकी लोगों के कंपैरिजन में जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपकी प्राइस हाई क्यों है। साथ ही साथ उसको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका कंटेंट कोई AI जनरेटेड नहीं है, आप ये काम खुद करते हैं, आपकी टीम करती है। तो अगर ये सारे फैक्टर सही तरह से अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट कर पाते हैं आप, तो आप यहाँ से अच्छी सेल निकाल पाएंगे और अच्छा बिजनेस बना पाएंगे। अगर वीडियो कुछ डाउट रह गया हो, कुछ समस्या रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर कहीं आई बटन में दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी के लिए गुड बाय।